Sai Ram to all. Swami says there is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. There is only one caste, the caste of humanity. And there's only one God, and He's omnipresent. Let different faiths exist. Let them flourish. Let the glory of God be sung in all languages, in a variety of tunes. That should be the ideal. All religions, all scriptures, all spiritual teachings point only to one truth, the unity of divinity. To live His message, Sri Sathya Sai Seva organization, Delhi-NCR, celebrates festivals across religions. As part of community outreach program, today we are all gathered here to celebrate the festival of Eid al-Fitr. Festival of Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, the holy month of fasting. Swami, during His discourse in 1978 on the occasion of Eid al-Fitr, said, I quote, fasting was laid down during the Ramadan in order to make people experience the benefits of sense control and in order to cleanse the spirit and the passions of man so that he may be rendered fit to approach God. Fasting is also referred to as upavas. Upa means near and vas means living. So upavas means living very near to God. The Ramadan fast is intended to set aside all sensory desires and to spend an entire month in the holy presence of God. As man gets cool heartening breeze when he approaches the AC or the fan, so too when man approaches God, his sorrows will vanish and he would have his good aspects flourish by His grace. I unquote. We are indeed honored today to have amongst us Padma Shri Professor Akhtarul Wasi, a prominent scholar of Islamic studies. A big round of applause from everybody. अल्लाह के नाम से जो कृपाशील भी है और दयावान भी, हम जिसकी उपासना करते हैं और जिससे सहायता चाहते हैं, दुरूद और सलाम उसके अंतिम दिव्य दूत हज़रत मोहम्मद, उनकी वंशजनों और उनके सहयोगियों पर। परम आदरणीय जितेंद्र चीमा साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ बाबा की याद में, जिन्होंने कि हम सबको एक रहने, एक होने और एक साथ मिलकर खुशियाँ बांटने और सजोने का संदेश भी दिया और उसके लिए एक नमूना भी कायम किया। चाहे वो हम बड़े खुश नसीब हैं कि हिंदुस्तानी है, और मैं जब हिंदुस्तानी होने की या भारतीय होने की बात करता हूँ और खुश नसीबी की बात करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो सही माने में सर्वधर्म संभाव की जीती जागती मिसाल है, जहाँ दुनिया की तमाम धार्मिक परंपराएं आके उसी तरह इकट्ठी हो गई हैं जैसे कि गंगा, जमुना, नर्मदा और कावेरी, राप्ती और ताप्ती, ब्रह्मपुत्रा और दूसरी नदियाँ मिलके या तो क्या मैं बंगाल की खाड़ी को जन्म देती हैं, अरब महासागर को बनाती हैं और फिर अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलकर एक विशाल हिंद महासागर को जन्म देती हैं। उसी तरह से दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान बनता है अपने धार्मिक सद्भाव के एतबार से। दुनिया के किसी धार्मिक परंपरा की बात कीजिए, वो हिंदुस्तान में मौजूद है। आप भाषाओं की बात कीजिए, इतनी भाषाएं जितने हमारे संविधान में मानी गई हैं इतनी तो दुनिया में उनकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इसी तरह से दुनिया के किसी मौसम की बात भी अगर आप करेंगे तो एक ही समय में वो मौसम कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में आपको मिल जाएगा। तो गरज हर चीज़ हिंदुस्तान में मौजूद है। इस
खूबी को जिन लोगों ने जाना, जिन लोगों ने माना और जिन लोगों ने इसको हमारी शक्ति और ताकत बनाया, उनमें सत क्या में हमारे बाबा भी थे जिन्होंने के हमसे कहा कि हम सब इन चीज़ों को समझें और समझ के आगे बढ़ाएं। ये वो परंपरा है जो कि हमें हमारे सूफी संतों और हमारी भक्ति से जुड़े हुए जो महान आत्माएं हैं उन सब ने दी हैं। अगर आप थोड़ी देर को मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं असल विषय पे आऊं, एक बात कहूं, आप ज़रा देर के लिए ये सोचिए वो कौन लोग थे जिन्होंने जोड़ने का काम किया, तो आपके जहन में फौरन हज़ारों नाम आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि भारत में कितने लोगों ने तोड़ने का काम किया, तो आपको मुश्किल ही से चंद नाम सुनाई देंगे और दिखाई देंगे और सुझाई देंगे। तो असल हिंदुस्तान की ताकत यही है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इकबाल ने एक बात कही थी हमारे हिंदुस्तान के तराने में, सारे जहाँ से अच्छा में, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे दवा हमारा, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। और ये क्यों है? वो इसीलिए है कि हमारा जो सर्वधर्म संभाव का की नीति है और हमारा जो आचरण है उसकी वजह से ऐसी बात है। अगर आप याद रखें और इसको गौर करें। जहाँ तक सवाल ईद का है, ईद का मतलब होता है वो चीज़ जो पलट पलट के लौट लौट के बार बार आए। ईद का त्यौहार चूँकि हर साल आता है, बल्कि साल में दो दफ़ा आता है, इसलिए उसको ईद उल फित्र ईद कहते हैं। और ईद उल फित्र जो ईद जो है वो खुशी का मौका होता है। और जैसा कि अभी बताया गया कि रमज़ान का जो मुबारक और पावन महीना है, जब उसमें एक महीने के लोग रोज़े रख लेते हैं, तो फिर ईद का चांद होने पर, ईद रमज़ान पूरा होने की खुशी में एक दफ़ा फिर सुबह ही सुबह उठकर जो सबसे पहला काम करते हैं वो क्या करते हैं कि 29 और 30 दिन सुबह उठकर कुछ नहीं खाते थे जी, लेकिन उस दिन पहला काम ये करते हैं कि कुछ खाते हैं। क्यों? कि उस दिन उनके रब ने उनको भूखा रहने को मना किया है। और उसके बाद फिर वो ईदगाह या बड़ी मस्जिद जाते हैं और वहाँ जाकर दो रकात नमाज जो है और ज़्यादा पढ़ते हैं आम दिनों से, अपने रब के सामने मत्था टेकते हैं, उसकी का शुक्रिया अदा करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं कि उसने हमें रमज़ान का महीना दिया और रमज़ान के अंदर हमें इस बात की तौफीक दी, इस बात के को हमारे लिए संभव बनाया कि हम उसकी याद में उपवास रखें, रोज़ा रखें। रोज़े की का महत्व समझने की ज़रूरत है। दुनिया में हर इबादत जो है, पूजा अर्चना का हर तरीका जो है वो पब्लिक होता है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझसे कहा गया कि नमाज जो है वो जमात से पढ़ो, सामूहिक रूप से पढ़ो ख़ास तौर से, इसीलिए मस्जिद में, तो मस्जिद में आते जाते नमाज पढ़ते लोग देखते ही हैं, तो पता चला कि लोगों को पता है कि मैं नमाजी हूँ। मैं ज़कात देने को कहा गया, जो एक तरह से इस्लामिक पायस टैक्स है, वो टैक्स उसको कहा गया इस तरह दो कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप जिसको देते हैं उसे ज़रूर पता होता है कि आपने उसे दिया। तो एक आदमी को तो पता है। हज का मामला ऐसा है कि हज पे तो लोग जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह जुलूस की शक्ल में जाते हैं, वैसे भी दुनिया को पता चल जाता है। लेकिन रोज़ा उपवास अकेली एक ऐसी इबादत है कि जब तक कोई ये ना कहे कि मैं रोज़े से हूँ, किसी को पता नहीं चलता। तो पता चला कि रोज़ा एक और उपवास जो है वो एक ऐसी इबादत है जिसमें कि नुमाइश नहीं है, एग्जीबिशन नहीं है, और जब तक किसी को पता ना चले उस वक्त तक पता नहीं चलता किसी के रोज़ेदार होने का, जब तक कि वो खुद रोज़ा ना रखे। और एक बात और है, आप सोचिए मई जून का महीना है, लू चल रही है, दोपहर का समय है, कड़कती धूप है, जबान पे कांटे पड़े हुए हैं, हलक खुश्क हो रहा है, होंठ जो है वो पूरी तरह पपड़ी जमी हुई है, आप घर में पहुंचते हैं कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, और फ्रिज रखा हुआ है उसमें ठंडे शरबत भी रखे हुए हैं,
पानी रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आप उनका सेवन नहीं करते हैं। क्यों? कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, आपका रब जरूर देख रहा है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि रोजे का सवाब उसने किसी तरह निर्धारित नहीं किया है, बल्कि जो मेरे लिए रोजा रखेगा उसका अजर और उसका सवाब और उसका पुण्य जो है वो मैं दूंगा अपने उसके एतबार से। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये कि खाली खाना पीना छोड़ना और जो आपके नेचुरल रिक्वायरमेंट्स हैं जी, भोग संभोग से जुड़े हुए, उनको छोड़ने का नाम खाली रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा नाम है इस बात का कि आप गुस्से से बचें, आप क्रोध से बचें, आप ईर्ष्या से बचें, आप दुर्भावनाओं से बचें, और इस तरह से अपने आप को इस तरह बनाएं कि दुनिया का कोई आपको आदमी बुरा ना लगे, बल्कि आपको अपने अंदर एक तरह से जिसे कहते हैं कि प्योरीफाई करने का मौका मिलना चाहिए और उसकी कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जिसने रोज़ा रखा लेकिन उसने गुस्से को, ईर्ष्या को, दुर्भावनाओं को, दुराचार को नहीं छोड़ा, उसके खाना पीना छोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात कही गई। रोज़े की एक और मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो जुड़ी हुई ईद से भी है, और वो ये है कि अगर माफ़ कीजिएगा रोज़ा, एक तो ये यहाँ ये भी बताता चलूँ, तमाम दूसरे जो इबादतें हैं और पूजा उपासना के जितने तरीक़े हैं इस्लाम में, उनमें रोज़ा अकेली एक ऐसी इबादत है जिसका कुरान में उद्घोषणा करते हुए खुद ऊपर वाले ने कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर एक महीने के रोज़े उसी तरह फ़र्ज किए जिस तरह से कि दूसरी कौमों पर किए थे। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का कोई ऐसी धार्मिक परंपरा नहीं है जिसके अंदर के रोज़ा किसी न किसी रूप में मौजूद न हो। इसीलिए हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, दूसरी मजहबी परंपराएं हो, सबके अंदर रोज़ा मौजूद है। तो रोज़े का एक फ़ायदा जो मैं आपकी खिदमत में और अर्ज करना चाहता था वो ये कि समाज के वो लोग जो धनवान हैं, संपन्न हैं, जो मालदार हैं, उनको अगर वो रोज़ा न रखते तो उन्हें ये पता नहीं चलता कि भूख की पीड़ा क्या होती है और प्यास की तकलीफ़ क्या होती है। जब वो रोज़ा रखते हैं और एक दिन नहीं 30 दिन रखते हैं तकरीबन 29 और 30 दिन, तो उन्हें ये मालूम होता है कि एक दरिद्र जो है, एक गरीब जो है, एक नादार जो है, एक मुफलिस जो है, उसकी भूख और प्यास की तड़प क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। और इस तरह से समाज में जो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से दरिद्र हैं, उनके बारे में हमारे दिल में एक मोहब्बत की, प्रेम की, उनकी सहायता करने की, उनके साथ सहानुभूति दिखाने की एक नई क्या में ख्वाहिश जन्म लेती है और हमारे यहाँ एक नया जज्बा पैदा होता है। तो रोज़े का एक फ़ायदा ये भी है, ये समझना चाहिए। और आखिरी बात रोज़े के हवाले से मैं इतना और कहता चलूँ कि माफ़ कीजिएगा, दुनिया में जब कोई आप मशीन ख़रीद के लाते हैं, कोई गाड़ी और कार ख़रीद के लाते हैं, तो आप देखते हैं उसमें सबके साथ एक सर्विसिंग पीरियड होता है। रमज़ान का महीना इंसानी जिस्म के लिए, मानव शरीर के लिए सर्विसिंग का महीना है, जिसमें कम खाओ, कम सो, कम बात करो जी। जब कम खाएंगे तो आपका शरीर जो है वो ज़ाहिरी बात है जो आपकी पाचन शक्ति है उसके ऊपर कम जोर पड़ेगा और एक नए आपके अंदर जो है, आपके शरीर के अंदर एक रिवाइटलाइजेशन और री एनर्जाइज होने का उसको मौका मिलेगा। और इस तरह से इसका फ़ायदा ये भी होता है। अब जो ईद का मामला है, ईद के लिए भी ये कहा गया कि आपने एक महीने रोज़े रखे, गरीबों के दुख और दर्द को समझने की कोशिश उस तरह की, अपने आप को दुर्भावनाओं से, दुष्विचारों से बचाने की कोशिश की। अब आपका ये फ़र्ज है कि जब ईद का दिन आया है तो आप ईद की खुशियां मनाने से पहले अपने घर वालों के लिए और अपने लिए अच्छा कपड़ा और अच्छा खाने का सामान इकट्ठा करने के से पहले ज़रूरी है कि समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए आप इंतज़ाम करें।
और उसको कहा गया फितरा। आप यानी फितरा एक तरह से हर मुसलमान पर जिसको जो जकात देता है, जो संपन्नशील है, उसके ऊपर फर्ज है कि वो अपने समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए कुछ पैसे निकाले। और पैसे निकालकर बेहतर ये है कि ईद की नमाज से पहले उन तक पहुंचा दे, ताकि वो भी अपने लिए ईद की खुशियों का सामान कर सकें। इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। और अगर कोई किसी कारणवश मजबूरी की वजह से अगर ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो ईद की नमाज पढ़ते ही इस काम को कर दे। और ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझना चाहिए। ईद का मामला ये है कि जब ईद के दिन आप आते हैं, तो ईद के दिन को इस तरह, वो किसी शायर ने कहा कि ईद का दिन है गले आज तो मिले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, और इस तरह गले मिलो कि गिले जाते रहे, कोई शिकवा शिकायत ना रहे। आज का दिन दुश्मनी का दिन नहीं है, आज का दिन मुखालिफत का दिन नहीं है, आज का दिन एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का दिन नहीं है, आज का दिन दूरी को मिटाने का, एक दूसरे को गले लगाने का, एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना के संबंध बनाने का दिन है। और उसके अंदर अपना और पराया कोई जो है उसका फ़र्क नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की पहचान ये बताई है कि वो उसका काम ये है कि जब वो लोगों से मिलता है, तो जानता हो या ना जानता हो, उन्हें सबसे पहले सलाम करता है और ग्रीट करता है, ये बताया गया है। इसीलिए ईद के दिन ये कहा गया है कि आप एक दूसरे से गले मिलो और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का मामला करो, एक दूसरे से तोहफे तहाइफ जो हैं उनका तबादला करो। और तोहफा खाली ये नहीं है कि आप बेशकीमत चीज़ें, कीमती चीज़ें लोगों को दें, अच्छे खाने और अच्छे पकवान लोगों को दें, बल्कि मोहब्बत से बात कर लेना, एक दूसरे से मुस्कुराहट के साथ जो है क्या हमें पेश आ जाना, ये भी तोहफे के अंदर शामिल है। क्यों? कि समाज में दूरी को कम करना है, समाज में एक दूसरे को करीब लाना है। मुझे खुशी है और मैं इस बात के लिए जितेंद्र सीमा साहब को मुबारकबाद देता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं। इनकी वजह से मुझे बार बार ये सौभाग्य में प्राप्त होता है कि मैं इस सेंटर पे भी आया और उस जगह भी गया जो बाबा की जन्म भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। और ये बात मैंने कह रहा था मैं, और मुझे खुशी है कि मैं अकेला नहीं गया था, मेरी क्या धर्मपत्नी भी मेरे साथ थी। हम दोनों ने ये बात देखी, हम और जगहों पे भी गए हैं, कि जबकि हमने अक्सर जगहों पर धर्म के नाम पर व्यवसाय बहुत देखे, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि पुट्टा पार्टी में जाके मुझे पता चला कि मिशन में और कमीशन में फ़र्क क्या होता है। सेवा, समर्पण की भावना जो है वो किस तरह से अपना रंग दिखाती है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या मानव एकता के क्या संदर्भ में हो, वो वहाँ पे देखने को मिली। और एक ख़ास बात ये है कि कुरान में एक बात कही गई है, कुरान में कहा गया लकुम दीनकुम वलियदीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। बाबा के यहाँ ये बात देखने को पूरी तरह मिलती है। आपका धर्म जो भी हो, आपकी आस्था जो भी हो, आप उस पर कायम रहिए, लेकिन मानव सेवा के लिए आप समर्पित रहिए, उसके लिए आप सद्भावना बनाए रखिए। ये असल चीज़ है जो कि संदेश मिलता है। और जिस तरह से बाबा के नाम पर जितने भी सेंटर हैं, उसमें दिल्ली का सेंटर जो है बहुत सक्रिय है, क्योंकि जितेंद्र चीमा साहब जो है माशाल्लाह, बहुत अल्लाह इन्हें नजरे बस से बचा है, ये बहुत सक्रिय रहते हैं और कोशिश करते हैं अपने सहयोगियों के साथ जहाँ पर भी हैं वहाँ पर तमाम धर्म जो हैं उनके जितने भी अवसर हैं उनको मिस नहीं किया जाता है और उनको बराबर मनाया जाता है। असल में जो बात है वो यही है,
हमें ये समझना चाहिए, धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है, धर्म लोगों को तोड़ने का काम नहीं करता है। एक बात मैं बार बार कहता हूँ और इस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ, हम सब इस बात पे यकीन रखते हैं कि ऊपर वाला जो है वो सर्वशक्तिमान है जी। अगर हम ये मानते हैं वो सर्वशक्तिमान है, अगर बहैसियत मुसलमान के मेरी आस्था और विश्वास और ईमान है कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बिला शुबा उस वो हर चीज पे कुदरत रखता है, हर चीज की ताकत रखता है, तो फिर मुझे मानना चाहिए कि ये रिलीजियस प्लूरलिज्म जो है ये भी उसी की मर्जी की वजह से है। इफ रिलीजियस प्लूरलिज्म इज हियर, दैट इज बिकॉज ऑफ द विल, डिजाइन एंड डिजायर ऑफ गॉड, विदाउट विच दैट कांट बी पॉसिबल। अगर वो चाहता तो सबको एक ही आस्था में ढाल सकता था, सबको एक ही फर्मे के अंदर निकाल सकता था, लेकिन उसने जो काम नहीं किया, मैं पूछना चाहता हूं आप और मैं उसके लिए क्यों परेशान होते हैं कि सब एक जैसे हो जाए। हमें नहीं भूलना चाहिए, गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन, जो अलग अलग तरह के फूल हैं उनकी रंगत और खुशबू है, चमन की शोभा उनके दम से है, गुलहाए रंगा रंग से है जीनत चमन, ये ज़ौक इस जहां को है वे इख्तलाफ से, ये दुनिया के अंदर जो हुस्न है, इस दुनिया के अंदर जो ये सुशोभित आपको दिख रही है वो इसीलिए है कि इसके अंदर इतने भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग रंग और रूप हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इस भावना को अगर हम समझ लेंगे तो फिर मुझे, मैं अपने इस हक को किसी को देने को तैयार नहीं हूं कि मैं अपने जमीर और जहन की आवाज के मुताबिक मुसलमान रहूं। जो काम उसने नहीं किया उसके लिए आप और मैं क्यों परेशान होते हैं जी। ये एक बात है, इस बात को समझना चाहिए। और जब ये बात मैं कह रहा हूं तो कुरान में साफ कहा गया है, ला इकराह फिद्दीन, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मोहम्मद साहब से अल्लाह ने कुरान में कहा, हमने तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए भेजा है, दरोगा बना के नहीं भेजा है। तो कम्युनिकेट करने का काम तो कीजिए, जो कि ये कर रहे हैं बाबा के माध्यम से जी। और बाबा ने भी यही काम किया कि कम्युनिकेट किया। कन्वर्ट होना ना होना ये इंसान के जहन और ज़मीर पर और उसकी कॉन्शियस पे छोड़ दीजिए, ये आपका मेरा काम नहीं है। बकौल शायर, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैदान मोहब्बत आम सही इरफान मोहब्बत आम नहीं। जब तक कि खुद ऊपर वाला न चाहे कोई किसी रंग में नहीं रंगता है। हमें इस बात को समझना चाहिए। ईद का मौका आ रहा है, आइए हम सब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें, ईद उसकी नहीं है जिसने कि रोजे रखे, ईद उसकी है जिसने गरीब की दर्द को और उसकी पीड़ा को समझा, ईद उसकी नहीं है जिसने नमाजें पढ़ी, बल्कि ईद उसकी है जिसने सेवा और समर्पण में अपना ज्यादा वक्त गुजारा, ईद उसकी नहीं है जिसने सिर्फ कुरान को पढ़ा लेकिन उसकी आत्मा और उसके संदेश को नहीं समझा। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया को ये बताएं कि हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं और तमाम मानव जाति एक आदम की औलाद है, और आदम मिट्टी से बने थे, और जब वो मिट्टी से बने थे तो रंग की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर कोई किसी के अंदर फेर मतभेद नहीं हो सकता, किसी में फर्क नहीं किया जा सकता। हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे, और इस बात को दुनिया को बताएंगे कि हम एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं हैं। मुझे खुशी है कि बाबा ने जो मिशन चलाया था उसमें उन्होंने लोगों की मूलभूत ज़रूरतों का ख्याल रखा था। वो क्या थी? पानी। दुनिया में आज कह रहे हैं कि दुनिया में अगर आइंदा जंगें होंगी तो अब माफ़ कीजिएगा एनर्जी के साधनों के लिए नहीं होंगी, अब कोयले के लिए साम्राज्य नहीं आएगा कब्जा करने के लिए, अब पेट्रोल के लिए लड़ाई नहीं होगी, अब पानी के लिए होगी। बाबा ने
इस परेशानी को समझ लिया था और इसलिए उन्होंने पानी जैसी मूलभूत चीज के लिए सबसे पहले अपने प्रोग्राम को जारी किया और उन लोगों तक पानी पहुंचाया जिन तक पहुंचाने का काम सरकारें करने में भी कामयाब नहीं हुई थी। इसी तरह से उन्होंने स्वास्थ्य को और शिक्षा को अपने लिए कार्य क्षेत्र में ढाला और उन्होंने जिस तरह किया उसको मैं आज भी सलाम करता हूँ। जो कुछ मैंने देखा, अगर मैं न देखता तो आपको सही बताता हूँ, शायद यकीन नहीं होता, लेकिन देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि असल बात जो किसी ने कही थी कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करो मलिक, वरना तो फरिश्ते बहुत थे उसकी इबादत के लिए, ये इंसानों की खिदमत करने के लिए लोगों को पैदा किया और जो इंसानों की खिदमत करते हैं वही जिंदा रहते हैं। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अगरचे मैं ये मानता हूँ कि बाबा ने पर्दा किया है लेकिन शायर की ज़बान है, इसलिए मुझे बाबा की खिदमत में ये आज के मौके पे ये खिराज अकीदत और ये श्रद्धा की बात कहने दीजिए, अर्पित करने दीजिए। तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो, तुम्हारी खूबियां जिंदा, तुम्हारी नेकियां बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया। बीच विख्यात कव्वाली गायक उस्ताद अब्दुल हामिद साबरी और उनकी पार्टी मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग स्टेज पे आए। जोरदार तालियां हमारे उस्ताद के। दोस्तों साथियों, अभी हमारे अख्तर वासी साहब जो हमारे करम फरमा हैं बहुत अच्छे हैं, दुनिया की जानी मानी शख्सियतों में एक हैं आप। रमजान और मुबारक के महीने में ईद के मौके पर मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ऐसी मौजब हस्ती को हमेशा हमारे सर पे कायम दायम रखे। ये बेहद खुशी की बात है। और उस दूसरी बात ये भी है कि आप लोगों ने इस मौके पर इस प्रोग्राम को पेश किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ साहित्य कला परिषद की तरफ से। और क्योंकि अब हमारे बाबा साहब से हमारे काफ़ी सत्य साहेब बाबा जिसे हमारे काफ़ी करीबी ताल्लुक रहा है, उस्ताद शफात अहमद खान जो कि दुनिया के जाने माने तबला नवाज थे, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मेरे भांजे थे और सत्य साई बाबा का उन पर ख़ास एक आशीर्वाद रहा है। आज इस स्टेज पर आप लोगों के बीच में गाते हुए बेहद खुशी हो रही है। और चूँकि हमारे अख्तर वासी साहब सामने मौजूद हैं, कोशिश मेरी रहेगी कि ज़्यादा दकीक यानी गहरी उर्दू जो है उसमें ना पेश किया जाए, मगर चूँकि यहाँ ऑडियंस जिस अंदाज की है, बने शायरी के साथ साथ संगीत को समझने वाले लोग भी हैं, आज वो कव्वाली पेश करने की कोशिश की जाएगी कि जिसकी जिम्मेदारी हमारे घराने पर है, दिल्ली घराने पर है। ये वो कव्वाली नहीं है कि जो आम कैसेटों में 30-35 रुपए में बिकती है, वो चीज़ें पेश की जाएंगी कि जिसका एक गहरा ताल्लुक वलियों के और बुजुर्गों के दरबार से रहा है। क्योंकि ये सत्य साई बाबा का दरबार है, आप सब उनके चाहने वाले हैं, करीब में ही आपके महबूब इलाही मौजूद हैं और रमज़ान का महीना है, ईद सर पर है। और बहुत अच्छी अल्फाजों के साथ अख्तर वासी साहब ने जिस तरह मैं पीछे बैठा सुन रहा था, एक मिजाज एक रूहानियत मेरे अंदर भरती है। तो शुरुआत ऐसे कलाम से करूँगा, पहले हमारे साथी उस्ताद पारखां साहब मुख्तसर साहब नगमा बजाएंगे, उसके बाद में जिस कलाम से मैं शुरुआत करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। सब लोग उसे जा सकते चाहूंगा। थैंक यू। Thank you.
कि तुम सा हसीन कोई खुदा की कसम नहीं, तुम सा हसीन कोई खुदा की कसम नहीं, जैसा मेरा सनम है किसी का सनम, जैसा मेरा सनम है किसी का सनम नहीं, तेरे पूछे में जिंदगी गुजरे महबूबे इलाही। समा फरमाएं अख्तर साहब। मौजू चूंकि कलाम फारसी में है इसलिए तर्जुमा उर्दू के साथ साथ पेश कर रहा हूँ। समा फरमाएं कि ईदगाह है।
मैंने इतनी खूबसूरत कलाम पेश किया, तालियों की आवाज नहीं की, क्या मांग रहे हम महसूस हो रहा है अमीर का त्यौहार मना रहे हैं। अपने जब बनाए के मैं जो पी के पास गई, जब बनाई के मैं जो पी के पास गई, जब जब देखी पीरू की तो मैं अपने भूल गई। साथ साथ ताले बजाइए क्या कि छाप थी लेकिन रब जी इसमें राग भी बिरहा के लिए जाए, पता चले कि नैना मिल रहे हैं, भले शायरी हमोसे की। मेरे इस मामले से मेरा भी हाल ही में डीडी उर्दू पर कबाली का सीरियल चल रहा है, तो हमारे उसमें अख्तरुल वासिर साहब भी, जिसको बेगम यमन ने एंकरिंग किया है, काफ़ी कुछ कबाली पर बोले हैं। समापन में नैना मिलाई के मिला के, ओ सेना मिला के, ओ सेना
अल्लाह के हजरत अमीर खुसरो ने इस कलाम को राजमन कल्याण में बांधा है। हम उसे ज्यादा तो नहीं हो सकते, मगर आज चूंकि वक्त की जरूरत है, अशारों के हिसाब से रागों को चुनना समापन में है। समापन में बल बल जाऊं, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, 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 बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल Bye.
दावा है और ये यादगारी आइटम जो मैं पेश कर रहा हूं ये आम बाजारों में नहीं मिलता है, ये हमारे सीनों में है। म्यूजिक ऑफ दिल्ली घराना।
अब लोग काफ़ी पुराने 750-800 बरस का हमारा इतिहास रहा है। दिल्ली से बुजुर्गों से हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार से जुड़े हुए लोग हैं, तो खासकर जो हमारे औरतें या बैठे हैं थोड़ा दिल को संभाल के बैठे हैं और अपने उस जमाने को याद करें जो कि मैं शायरी में पेश कर रहा हूँ। समापन है असर है समापन में Yeah.
सच बोलता हूँ, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। इस कलाम को बाबा भुल्ले शाह ने भी अपने अंदाज में कहा है, और जैसा जैसा सूफियों का दौर आया, सल्तनतें बदली, लोग बदले, ज़माना बदला, तो उस वक्त के हिसाब से शायर के ख्यालात भी बदले। हर शायर ने अपना अपना रंग इस कलाम में पेश किया है। समा फरमाएं बाबा भुल्ले शाह और मुख्तलिफ शायर हज़रात। चकर मना मैनू पीर मनावा सादा चुपकर तू की शरा रखनी साडे नाल वकीला दे रही हुई है तेरे अपनी शरा दा ख्याल मुल्ला सानू यार मना ले दी रही हुई है Yeah.
नजर है दीदार से काबिल तो कहा मेरी नजर है दीदार से काबिल तो कहा मेरी नजर है दीदार के काबिल तो कहा मेरी नजर है दीदार से काबिल तो कहा मेरी नजर है तो गाने का मजा चलता है गौर से सुनिए ये मजमून तब में सादा पिया घर आया ये लालनी ए लालनी जज्बात समापन में अपने सजन पे मैं झुकूंगा लुटाऊं अपने सजन पे मैं झुकूंगा लुटाऊं अपने सजन पे मैं झुकूंगा लुटाऊं वादा पिया पे मैं महफिल में बैठे हैं किसकी सत्य साई बाबा की सत्य साई बाबा किसके हैं रब के हैं और रब किसका है हम सबका है एक डोरी पकड़नी पड़ती है बस जिसने ये डोरी पकड़ ली वो रब तक पहुंच गया समापन में साडा पिया घर आया कौन सा पिया मुझे पीर मिले तो ख्वाजा मिले मुझे पीर मिले तो ख्वाजा मिले मुझे पीर मिले तो ख्वाजा मिले पीर मिले तो ख्वाजा मिले दो ख्वाजा मिले दो ख्वाजा मिले तो गौस मिले दो ख्वाजा मिले तो गौस मिले दो गौस मिले तो नबी मिले दो गौस मिले तो नबी मिले दो गौस मिले तो अली मिले दो गौस मिले तो अली मिले दो अली मिले तो नबी मिले दो अली मिले तो नबी मिले दो नबी मिले तो खुदा मिला दो नबी मिले तो खुदा मिला रास्ता मिला अब ये अंदाजे बंदगी होगा अब ये अंदाजे बंदगी होगा जिक्र जाना गली गली होगा जिक्र जाना गली गली होगा जिक्र जाना गली गली होगा मैं तो पड़ी थी आस लगाए और मेहंदी गजरा मांग सजाए और मेहंदी गजरा मांग सजाए मैं तो पड़ी थी आस लगाए मैं तो पड़ी थी आस लगाए ये मेहंदी गजरा मांग सजाए खूबसूरतियाँ अपने सजन की हार गई मैं तो कल मल को सादा पिया घर आया
है खुदी का आलम है। हम आ गए कहां पे, हम आ गए कहां पे, ये किसका दयार है। हम आ गए कहां पे, ये किसका दयार है। पहलू से दिल पुकारा यही वो यार है। पहलू से दिल पुकारा यही वो यार है। वो यार मतलब यार का पूछा, यही यार की गली है जिसने उस यार को मनाया है। पहलू से दिल पुकारा यही वो यार है। पहलू से दिल पुकारा यही वो यार है। पहलू से दिल पुकारा यही वो यार है। वो मुद्दतें हुई है निगाहें मिले हुए। वो मुद्दतें हुई है निगाहें मिले हुए। वो का मतलब माना, माना के वो, अरे वो मुद्दतें हुई है निगाहें मिले हुए। वो मुद्दतें हुई है निगाहें मिले हुए। ऐसी पिला गए हैं कि अब तक खुमार है। बलियों के दरबारों में 6-7 मिनट के दो लास्ट आइटम पेश कर रहा हूं, हालांकि है तो बहुत कुछ, समय कम है, इंशाल्लाह वक्त ने इजाजत दी तो आगे। Thank you.
नमाज कहता हूँ, खुल के हाथ से नमाज कहता हूँ, खुल के हाथ से नमाज कहता हूँ। Bye.
शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग अच्छे ढंग से सुनते हैं, क्योंकि दरबार है शहनशाह है, ये भी आखिरी कलाम समापन है। सूफी कलाम की रिवायत काफ़ी पुरानी है, इस मौजू पे मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर भी बोल चुका हूँ। गरीब नवाज से भी पहले का भी मामला है इसमें। प्रॉपर मोहम्मद साहब के ज़माने में एक असाबी हुआ करते थे जिनका नाम मीर अक्काशा था। तो आपकी ज़िंदगी में ही आपकी शान पर, आपके चेहरे मुबारक पर, आपकी ज़िंदगी पर तारीफ गायकी में बयान करते थे, और वो गायकी दब पर होती थी। दब जिसको आज के ज़माने में डफली कहा जाता है, उस ज़माने में दब था, और रबाब जो आजकल उस्ताद अमजद अली खान साहब बजाते हैं सरोद, ये रबाब हुआ करता था। यारी है ईमान मेरा, इसमें रबाब है, ठीक है। तो उसके बाद गरीब नवाज का दौर आया, तो चूँकि पब्लिक को समझाना था, तो गरीब नवाज के बाद हजरत सिलसिला दर सिलसिला मामले चलते रहे, सब अपने तरीके से, हर लाइन में अपने अपने तरीके से रब को मनाया है। समा फरमाएं, ये महफिल इस पर ख़त्म होती है, इसलिए मैं ये कलाम पेश कर रहा हूँ। कव्वाली की, सूफी इकराम की जो महफिल है उस आइटम पर ख़त्म होती है, और मेरी आपसे दरख्वास्त है, जब आप इस चीज़ को मना रहे हैं, तो जहाँ जो बैठा है वो इस कलाम पर अगर खड़ा होकर सुने तो मुझ पर एहसान होगा उसका। इस कलाम पर खड़ा हो जाता है, दरबार में जा भी होते हैं, आप लोग खड़े होकर सुने अपनी अपनी जगह पर, तो बड़ी नवाजिश होगी आपकी, क्योंकि इसकी रिवायत रही है, कलाम खड़े हुई होकर सुना जाता है। तमाम फरमाएं, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, ये कबीर बेदी सरदार कंवर सिंह में बेदी साहब ने फरमाया। और समाप्त में कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर आए, यानी पूरे रब के लिए मैं रहमत बनकर आए, रहमतुल मुस्लिमीन ही नहीं, खाली मुसलमानों के ही लिए नहीं, पूरी रहमत आलम के लिए रहमत बनकर आए। तो ये जिनकी महफिल है, सत्य साहेब बाबा की महफिल है, तो यह महबूब इलाही Thank you.
मैं महबूबे इलाही और सत्य साई, काफिया एक ही है इलाही साई। समापन में चलते चलते रोकर पूछे, तस्वीर को देखिए, साईं बाबा की तस्वीर को देखिए, वो मंजर याद कीजिए जब आपके सामने हुआ करते थे। और ये शेर सुनिए, सिर्फ इधर देखिए, मेरी जब मत देखिए, सिर्फ मेरा शेर कानों से सुनिए। चलते चलते रोकर पूछा मुझसे पांव पछालों ने, चलते चलते रोकर पूछा मुझसे पांव पछालों ने, हर बस से कितनी दूर बसानी दिल में बसने वालों ने, मेरे आका करे न तो।